दोस्तों, मैं अजय कुमार सिंह, बिजनेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर, एक बार फिर नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। और आज का जो वीडियो है वो है MLM का डायमंड का जो सीरीज चल रहा है उसका दूसरा वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लिस्ट की, क्योंकि किसी भी बिजनेस में हमको अगर जो आगे बढ़ना है तो सबसे बड़ी जो चीज़ है कि सबसे बड़ा टर्नओवर करना पड़ेगा, और बड़े टर्नओवर के लिए हमको बड़ी टीम बनानी पड़ेगी, और बड़ी टीम के लिए हमारे पास बड़ी लिस्ट होनी चाहिए। तो इसलिए आज का जो हमारा वीडियो है वो बड़ी लिस्ट कैसे बनाएं इस पे है कि जैसे कहा जाता है कि जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी कामयाबी। जिस प्रकार किसी भी मकान का जो आधार है वो नींव है, उसी तरह हमारे जो इस बिजनेस का जो आधार है वो लिस्ट है। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम आज बात करते हैं कि कैसे हम एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट पे काम करके हम बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। अब किसी भी नए आदमी को जब हम ज्वाइन कराते हैं तो ये मेरा नैतिक दायित्व बनता है, हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम ठीक दूसरे दिन या तीसरे दिन उसके घर पे जाएं और उसकी लिस्ट खुद बनवाएं। लिस्ट में दो तरह की लिस्ट होती है, एक होती है हमारी ड्रीम लिस्ट और दूसरी होती है प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। तो आदमी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट पे काम बाद में करेगा, पहले करेगा वो ड्रीम लिस्ट पे। तो सबसे पहले हम उसको, उस सामने वाले आदमी का, हम पहले एक छोटा सा ड्रीम यानी कि नीड या ड्रीम सामने लाते हैं। हम उससे कहते हैं कि अच्छा, तुमको इस बिजनेस से क्या पाना है पहले वो लिखो। तो शुरुआत में आदमी बहुत बड़े बड़े ड्रीम नहीं लिखता है, लेकिन जो उसकी नीड होती है, छोटी मोटी नीड होती है उसको लिखता है, और छोटे मोटे जो ड्रीम होता है उसको लिखता है। तो सबसे पहले हमको उस ड्रीम को लिखवा देना है जो 6 महीना साल भर के अंदर हम उसके पा सके। और जब वो ड्रीम अपनी लिख लेता है, ड्रीम की जब लिस्ट बना लेता है, तब वो काम करता है। तब उससे हम कहते हैं कि अच्छा चलो, इस ड्रीम पर हमको पहुंचने के लिए हमको किन किन लोगों से मिलना पड़ेगा, किन किन की लोगों से मिलकर उनको प्लान दिखाना पड़ेगा, उन लोगों की यानी प्रॉस्पेक्ट की हमको लिस्ट बनानी है। तो प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट कैसे बनेगी, यानी कि बिल्कुल अनलिमिटेड जो हमको लिस्ट बनानी है वो लिस्ट कैसे बनेगी, इस पे आज हम बात करेंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है इसी पे है। तो चलिए, लिस्ट बनाते समय जो सबसे पहला बिंदु जिस पे हमको आपको ध्यान देना है वो ये है कि डोंट प्रीजज, यानी बिना प्रीजज किए हमको लिस्ट में हर इंसान को लाना है जिसको हम जानते हैं और वो हमें जानता है। तो पहला बिंदु क्या हुआ कि हमको हर आदमी को लिस्ट में लाना है, हमारे रिश्तेदार हो, दोस्त हो, नातेदार हो, अगल बगल वाला पड़ोसी हो, कोई भी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलेक्टर हो, कुछ भी हो, रिक्शे वाला हो, चाय वाला हो, जिसको भी हम जानते हैं और वो हमको जानता है, उसको हमको अपने लिस्ट में लाना है। प्री जज नहीं करना है कि ये कलेक्टर है तो इसको इस बिजनेस की जरूरत नहीं है, डॉक्टर है तो इसको इस बिजनेस की जरूरत नहीं है, ये रिक्शा वाले हैं तो इसको बिजनेस की जरूरत नहीं है, किराने वाले हैं तो इसको बिजनेस की जरूरत नहीं है। बिजनेस ये डायरेक्ट सेलिंग जो है MLM हर इंसान के लिए है। किसी को समय, धन, सुरक्षा, देशाटन, कर्ज मुक्त जीवन, दुनिया की हर चीज यहाँ पर मिलती है, इसलिए लिस्ट में आपको हर इंसान का नाम लेना है। तो पहला लिस्ट, डोंट प्रीजज, हर आदमी का नाम लीजिए। दूसरा बिंदु है इसका कि आप जब लिस्ट बनाने बैठ रहे हैं तो परिवार के सारे सदस्यों के साथ बैठिए। जब परिवार के सारे सदस्यों के साथ बैठेंगे तो कुछ नाम आप लिखेंगे, तो कुछ नाम आपकी पत्नी बताएंगी, कुछ नाम आपके माताजी बताएंगे, कुछ पिताजी बताएंगे, कुछ भाई बताएंगे, कुछ बहन बताएंगे। इस तरह अगर जो 10, 20, 25 का नाम आपने लिखा तो ऐसे 10, 20, 25, 50 नाम ये लोग बताएंगे, और धीरे धीरे बैठे बैठे यानी कि जब परिवार के सारे सदस्य बैठ रहे हैं तो सैकड़ों नाम आपका हो जाएगा। तो इस तरह जब लिस्ट आप बनाने बैठ रहे हैं तो परिवार के सारे सदस्यों को इन्वॉल्व करिए। और इसका एक ये भी फायदा है कि जब लिस्ट बनाते समय सारे लोगों को इन्वॉल्व करते हैं तो हर आदमी बिजनेस में भी इन्वॉल्व होता है, और आगे आपके लिए इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। हर आदमी अपने तरीके से भी आपको सहयोग इसमें करता है। तो तीसरी चीज है, तीसरी बिंदु है आपका यूज्ड टूल्स, यानी कि टूल्स का इस्तेमाल करिए। जब आप लिस्ट बनाने जा रहे हैं तो उसमें टूल्स का इस्तेमाल करना है। वो टूल्स क्या हो सकता है कि हर घर में एक लिस्ट होती है, एक डायरी होती है जिसमें लोगों के अपने जानने पहचाने लोगों के नाम, मोबाइल नंबर, जगह का नाम लिखा होता है, उसका उपयोग करिए। आपके शादी का, बर्थडे का, किसी फंक्शन का एल्बम होता है उसका उपयोग करिए, शादी का कार्ड होता है उसका उपयोग करिए, विजिटिंग कार्ड होता है उसका उपयोग करिए। इस तरह आप टूल्स का उपयोग करके आप अपनी लिस्ट को बहुत बड़ा कर सकते हैं। चौथा जो बिंदु है वो जो सबसे महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण, हम लोग कहते हैं कि सारे बिंदुओं पे अकेले भारी है, मेमोरी जागर का प्रयोग करिए। मेमोरी जागर क्या है, क्या है तकनीकी मेमोरी जागर का, हर जगह कहीं से शुरू कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी नाम लीजिए, अनिल कौन है,
जैसे अनिल का आपने नाम लिया, क्वेश्चन किया अनिल कौन है, आपके दिमाग में घुसेगा जिस भी अनिल को जानते हुए सामने चेहरा आ जाएगा, सुनील कौन है, राधा कौन है, मोहिया कौन है, हर आदमी का नाम आ जाएगा, आपका डॉक्टर कौन है, फैमिली डॉक्टर कौन है, नाम आ जाएगा, फट से नाम आएगा, आप कपड़ा कहाँ प्रेस कराते हैं, आप स्कूल टाइम में जब थे तो सबसे बदमाश स्टूडेंट कौन था, सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन था, पढ़ने वाला सबसे अच्छा कौन था, फुटबॉल खेलने वाला सबसे अच्छा कौन था, क्रिकेटर कौन था, आपके अध्यापक कौन थे, जो सबसे अच्छे अध्यापक पढ़ाते थे वो कौन थे, आपका सबसे फास्ट फ्रेंड कौन था, इस तरह मेमोरी जागर के हजारों क्वेश्चन आप कर सकते हैं, उसका जो जवाब आए उसको लिखिए। मेमोरी जागर टेक्निक आज के दिन की जो सबसे महत्वपूर्ण टेक्निक है, आप मेमोरी जागर का आप टेक्निक का यूज करेंगे तो हजारों नाम आप जोड़ सकते हैं, आपका पेपर वाला कौन है, आपका सब्जी वाला कौन है, आपके जो घर आने वाले लोग हैं उसमें सबसे अच्छा मेहमान कौन है, मोटा आदमी कौन है, पतला आदमी कौन है, दुबला आदमी कौन है, टकला आदमी कौन है, मतलब बहुत सारी चीजें क्वेश्चन करेंगे, जवाब जो आएगा उसका नाम लिख लीजिए। तो इस तरह ये आपका हो गया चौथा बिंदु। पांचवा जो बिंदु है डेली अपडेट, पांचवा बिंदु है जो अपने लिस्ट को डेली अपडेट हमको करना है। डेली अपडेट से मतलब क्या है, डेली अपडेट से मतलब यह है कि जैसे आप बाहर निकल रहे हैं पॉकेट में आपका एक कागज या एक डायरी, छोटी सी डायरी हो, पॉकेट डायरी हो, पेन हो, और जैसे भी किसी भी आदमी से मिले हेलो हाय करिए, और हेलो हाय करने के बाद उस रिलेशन बनाने के बाद आपको उसका नाम लिख लेना है, मोबाइल नंबर लिख लेना है, इसको कहते हैं डेली अपडेट। दो नाम, तीन नाम, चार नाम आप डेली अपडेट करते हैं, घर पे आके उसको लिस्ट में डालिए। डेली अपडेट से मतलब क्या है, जो नाम आप लेके आ रहे हैं उसको अपने डायरी में लिखिए, पहले आप अपने पॉकेट डायरी में लिखते हैं, फिर घर आके अपने किताब में जो आपकी लिस्ट जिस पे बना रहे हैं उस पे लिखते हैं, और धीरे धीरे उनसे आप दो बार चार बार आप फोन से जब बात करते हैं तब उनको इनवाइट हम करते हैं। तो ये डेली अपडेट जब हम करते हैं तो आपकी लिस्ट आपकी अपडेट होती रहती है, हमेशा बढ़ती रहती है, चाहे आप किसी भी लेवल पर चले जाएं। तो ये रहा आपका लिस्ट मेकिंग। तो अगर जो आपको डायमंड जाना है तो ये जो दूसरा आपका पिलर है, ये जो दूसरा वीडियो आपको है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर जो आपके पास बड़ी लिस्ट हो गई, 500 हजार की लिस्ट हो गई, तो आप इस बिजनेस में असफल नहीं हो सकते हैं। तो एक बार फिर हम वो पांचों बिंदु दोहराते हैं आपको लिस्ट बनाते समय। डोंट प्रीजज, आप प्रीजज मत करिए, हर आदमी का नाम लिखिए जिसको आप जानते हैं और वो आपको जानता है। दूसरा बिंदु आपका है, सीधे आप जब लिस्ट बनाने बैठते हैं तो अपने परिवार के सारे सदस्यों को बैठाइए ताकि आपकी लिस्ट तुरंत बहुत बड़ी हो जाए। तीसरी बिंदु जो है आपका, टूल्स का उपयोग करिए, जो भी आपके घर में टूल्स है, जो आपकी डायरी है या एल्बम है। और चौथी मेमोरी जागर का उपयोग करिए, मेमोरी जागर अपने आप में सबसे भारी है। और पांचवें आपका डेली अपने लिस्ट को अपडेट करिए, डेली जो चार नाम आप उसमें जोड़ते जाइए। तो ये रहा, लेकिन ये जो लिस्ट है सबसे पहले आप इसको कच्ची यानी कि रफ पेपर पर बनाइए, रफ पन्ने पर बनाइए। क्यों, इसका कारण है क्योंकि जब शुरू में जब आप लिस्ट बनाएंगे तो बहुत सारे लोगों के पास आपका, बहुत सारे लोगों का धुंधला आपका याद रहेगा, उनका मोबाइल नंबर नहीं रहेगा, किसी का प्रोफेशन नहीं मालूम रहेगा, क्या रहेगा। लेकिन जब जब रफ बना लेंगे तो धीरे 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 आप एक बार जब रफ बना लेंगे तो उसको जब सिक्वेंस जब फेयर करेंगे तो बहुत आपको लाभ मिलने वाला है। जब फेयर करें तो आप यथासंभव ये प्रयास करिए कि शहर वाइज स्टेट वाइज आप सूची बनाइए। इससे फायदा क्या होगा कि आगे कांटेक्ट करने में, इनवाइट करने में, प्लान दिखाने में आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो जब सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान आपको देना है कि लिस्ट जो आपकी होनी चाहिए रफ बननी चाहिए, और रफ के बाद फिर फेयर बननी चाहिए, और फेयर में आप सिटी और स्टेट वार आप इसको अगर जो कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। दूसरी चीज इसमें आपको मेन फोकस क्या करना है कि हमको अब लिस्ट जब बन गई तो प्लान किसको दिखाना है, इनवाइट किसको करना है, ये अगला हमारा वीडियो होगा। लेकिन इसमें हम आपको ये बताते हैं कि सबसे पहले उस लिस्ट में ये देखिए कि नीडी कौन है, ड्रीमर कौन है, किसकी नीड है और किसकी ड्रीम है। उसमें से कुछ नाम निकल के आएंगे, 10, 20, 25, 50, 100, उनको हमको सबसे पहले टैकल करना है, सबसे पहले उनको इन्वाइट करना है। कैसे इन्वाइट करेंगे, आपको 4 से 5 आपको रट्टा रटाया बिंदु आपको अगले वीडियो में देने वाला हूं। तो ये रहा आपका लिस्ट। चलिए आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो अपने टीम को इसको शेयर करिए और खुद इसको फॉलो भी करिए और अपने टीम से फॉलो भी कराइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला जो वीडियो है उसका इंतजार करिए, अगला वीडियो जो आने वाला है जो सबसे बड़ी चीज डायरेक्ट सेलिंग का जो सबसे मेन काम है वो है इन्विटेशन। अगर जो हमने इन्विटेशन सीख लिया तो पूरा युद्ध जीत लिया। तो अगला जो वीडियो हमारा जो तीसरा सीरीज आने वाला है वो इन्विटेशन का है। 4 से 5 आपका बिल्कुल रट्टा रटा इन्विटेशन का जो बिंदु बताएंगे उसको रट लेंगे और आप किसी को इन्वाइट कर सकते हैं। धन्यवाद।